हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीस के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हब मोटर से संबंधित एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और वो छोटी सी प्रॉब्लम है कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप जैसे ही मोटर को लगा के एक्सेलरेट करते हैं, मोटर हल्का सा झटका लेती है और बंद हो जाती है, हल्का सा झटका लेती है और बंद हो जाती है। और ऐसा अक्सर होता है और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यूजुअली कंट्रोलर को ब्लेम करते हैं या मोटर को ब्लेम करते हैं और सोचते हैं कि अब कंट्रोलर ख़राब हो गया। पर असल में समस्या ना ही कंट्रोलर में होती है और ना ही मोटर में होती है, असल समस्या होती है कुछ और। तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ चेक करने वाले हैं और उसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में ये बहुत सारी मोटर हैं और उन्हीं में से एक मोटर मैंने अपनी जो कन्वर्टेड एक्सेस है उसमें लगभग 1.5 से 2 साल बाद मैं आज उसको दोबारा से खोल रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम पता थी इसलिए मैंने इसको खोला। आप देख सकते हैं कि ये ब्रेक साइड की जो प्लेट है वो मैंने खोल ली है और काफ़ी जाम थे नट, लेकिन मैंने खोल लिया है। अब खोलने के बाद में जो अंदर का नज़ारा है उसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि ये वाकई में बहुत सीरियस इश्यू है। देख सकते हैं कि अंदर की तरफ आपको ये जो एकदम आपको केसरिया कलर जो दिख रहा है, ये बेसिकली प्रेजेंस है पानी का इंडिकेशन है ये कि मोटर में कहीं ना कहीं से जो पानी है वो अंदर की तरफ गया है। और यही कारण है जिस कारण से जो मोटर है उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ कर जाता है। आप देखिए, अब होता क्या है कि यहाँ पर जो हॉल सेंसर हैं उनका काम है मैग्नेटिक इफेक्ट को सेंस करना। होता यह कि ये जो डस्ट क्रिएट हुई है इसके अंदर, ये डस्ट हॉल सेंसर के ऊपर जम जाती है और उसके बाद में जो हॉल सेंसर है उसका मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो काम करना कभी बंद कर देता है और कभी कभी करता भी है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो इतनी थिक लेयर जो जम गई है ये कहीं ना कहीं हॉल सेंसर उसकी वर्किंग पे इफेक्ट करता है। और BLDC मोटर में पूरा जो काम है वो हॉल सेंसर के ऊपर है। अगर आपके पास में ड्यूल मोड कंट्रोलर है जो बिना हॉल सेंसर के भी काम कर सकता है तो आपकी मोटर चल जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको हॉल सेंसर डिसकनेक्ट करना पड़ता है तब वो चलेगी, और अगर वो कनेक्ट है तो वो काम नहीं करेगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप अपने मोटर को खोलें और चेक करें कि कहीं उसमें पानी के ट्रेसेस तो नहीं है। और इस तरीके के जो ट्रेसेस हैं ये पानी के ट्रेसेस होते हैं, हमें इसको सीरियसली इसको साफ़ करना है। और मोटर को किसी भी मैकेनिक या किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर पर ले आने से पहले अगर आप हो सके तो एक DIY अपनी हब मोटर के साथ में ज़रूर करें, जिससे कि आपको ये जो प्रॉब्लम है अगर मिलती है तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फौरी तौर पर इसको साफ कर देना है। तो आइए अब इसकी सफाई करते हैं। दोस्तों, सफाई का जो सबसे पहला तरीका वो है ब्लोअर। आप किसी हाई स्पीड ब्लोअर से इसको थोरोली साफ कर सकते हैं। ब्लोअर से हवा मारने के बाद में एक ब्रश लें और उससे ब्रश से साफ करें पहले दूसरे नंबर पे। ब्रश से साफ करने से ये होगा कि जो भी पार्टिकल थोड़े से सॉलिड हो गए हैं वो निकल जाएंगे। और सेम इसकी प्लेट के साथ में और फिर से एक बार ब्लोअर। और इसके बाद में कोई कॉटन का कपड़ा लें और फिर उससे इसको एक जेंटल क्लीन दे दें। और दोस्तों, सबसे आखिरी में एक तारपीन या फिर पेट्रोल से जो इसकी PCB प्लेट है उसको अच्छे से साफ कर लें। आप देख सकते हैं कि हमने पूरी मोटर को थोड़े से केरोसिन से साफ कर दिया है ताकि जो एडिशनल डस्ट इसमें होगी। अब देखिए, क्योंकि हमने इसका एक तरफ का पैनल खोला है, वैसे हमें करना ये चाहिए कि इसको कसने के बाद में हम दूसरी तरफ का भी
ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रॉपर सफाई ज़रूरी है और इसके बिना ये जो मोटर है इसकी जो वर्किंग है वो इफ़ेक्ट करती है। और बीच रास्ते में अगर कहीं भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर वो बंद हो जाए, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर रिलायबिलिटी लोगों की बहुत कम है, उस कंडीशन में और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ लोग करते हैं कि क्यों चला रहे हो, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर 6 महीने या साल भर में एक बार आपको अपनी हब मोटर को खोल के इस तरीके की जो सफाई है वो करनी है। दैट इज़ मोस्ट रिकमेंडेड सर्विस पार्ट। वैसे इसमें सर्विस कभी होती नहीं है, बट अब चूंकि इसमें पानी के ट्रेसेस हैं और हाई मैग्नेटिक फील्ड में जब पानी के ट्रेसेस आते हैं तो इस तरीके का कुछ कुछ हो जाता होगा आयोनाइज होने के बाद में। बट एनीवे, अभी फिलहाल हमने इसको साफ कर लिया, अब आइए इसको वापस कस देते हैं और उस तरफ का खोलते हैं। तो पैक करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है कि लिक्विड गैस्केट जो एक ट्यूब होता है इसका यूज़ करें जब इसको वापस से पैक करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम इसको यूज़ करते हैं बारिश के समय पर या मॉइस्चर के समय पर, तो ये अंदर यहाँ से मॉइस्चर ना जाए, इस कारण से पैक करते समय इस तरीके का जो सीलेंट होता है इसका यूज़ करें, ताकि प्रॉपर पैकिंग वाटर रेजिस्टेंट जो इसकी इसका जो नेचर है वो बना रहे। तो दोस्तों, हमने इसका जो ब्रेक प्लेट के अपोजिट साइड का जो कवर है उसको उसके स्क्रू भी खोल लिए हैं। अब हमें करना बस ये है कि इस तरीके का एक स्क्रू ड्राइवर लेना, और आप देख सकते हैं कि ये आसानी से यहाँ से भी निकल गई है। अब सावधानी से इसको निकाल लें, इसके कवर को, ये देखिए, और फिर आइए इसको चेक करेंगे कि इसमें कितना समस्या है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, काफ़ी मटेरियल है इसके अंदर भी। आपने देखा था दोस्तों, हमारा जो इसके बैक कवर था उसमें भी इस टाइप के जो पानी के ट्रेसेस हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा मिले थे, और जैसा कि हमने इसको ऑयल साफ़ किया था तो इस तरफ का थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, बाकी ये भी ख़राब है। तो आइए बिल्कुल सेम प्रोसीजर से इसको भी साफ़ कर लेते हैं और वापस से पैक करते हैं। दोस्तों, हमने अपनी जो मोटर है उसको कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं इसके ब्रेक शू वगैरह को भी साफ़ कर लिया है, और अब ये मोटर वापस से तैयार है। आइए इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि अब ये दोबारा से झटके तो नहीं ले रही है स्टार्ट होने में। वैसे ये है हमारी कन्वर्टेड सुजुकी एक्सेस, और अब हम इसमें मोटर लगाने वाले हैं। तो आइए इसको फिट कर लेते हैं और फिर चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने जो अपनी मोटर है वो कस ली है, और अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये बेसिकली जो अंदर डस्टिंग की और जो मेन इश्यू था वो उसका वही था, जो कि हमने सफाई के दौरान पूरा सॉल्व कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम एक्सेलरेट करते हैं, यहाँ से हम ऑन करते हैं, और अब देख सकते हैं कि बिना झटके की काफ़ी देर तक हम चला सकते हैं इसको, और यही प्रॉब्लम उसमें लास्ट टाइम जब मैंने इसको खोला था तो इसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही हम एक्सीलेटर देते हैं वैसे ही मोटर कुछ देर घूमने के बाद में, मतलब एक झटका लेने के बाद में बंद हो जाती थी, और अब ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको जो BLDC हब मोटर है उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताया। तो आज की इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको बताएं कि इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लाइव EVs। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।